पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की 97वीं जयंती और चौथी पुण्यतिथि पर हल्द्वानी में याद किया गया। कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस कैंप कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बल्टिया ने राजनीतिक दलों के नेताओं और जनता के साथ मिलकर स्वर्गीय एनडी तिवारी की पुण्यतिथि को मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न दलों के नेताओं और शहर के वरिष्ठ जनों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही वक्ताओं ने एनडी तिवारी के विकास परक सोच को लेकर भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने तिवारी के विकास कार्यों और उनकी कार्यशैली को याद किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पंडित नरेंद्र तिवारी जी जिन भी पदों पर रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे या मंत्री या प्रदेश देश के मंत्री रहे, तो उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम करा। पंडित नरेंद्र तिवारी के जीवन का अध्ययन करके आज के युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो नए राजनेता आ रहे हैं उनसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। विजन कैसे, एक नेता के पास विजन होना चाहिए, कैसे प्रदेश के विकास के लिए काम किया जाना चाहिए, ये पंडित नरेंद्र तिवारी से आज के नेताओं को सीखना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की नींव रखी, सिडकुल और लोगों का मुलायम के रोजगार बढ़े, आज भी जो राजस्व आ रहा है हमारे पास, जो तिवारी जी ने नींव रखी थी, उससे लोगों के कर्मचारियों की तनख्वाह मिल रही है। और तिवारी जी का जो विकास का विजन था, जिसकी वजह से उनके विकास पर उसकी ख्याति दी गई, तो आज सभी ने प्रतिज्ञा ली थी कि तिवारी जी की भाईचारे की सोच थी और उनके बच्चनों में आगे बढ़कर विकास सोच को हम आगे बढ़ाएं।